फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज दिल्ली में मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश बहुत जोरों से हो रही है, तो आज इसी मौसम से रिलेटेड आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा आपने देखा होगा, क्लाइंट्स मांगते हैं आपको से आउटडोर स्पीकर्स, वाटरप्रूफ स्पीकर्स अपने गार्डन के लिए, तो आज मैं JBL का एक मॉडल लेकर आया हूँ, वो है कंट्रोल 85M, जो फुल्ली वाटरप्रूफ स्पीकर है, गार्डन स्पीकर है, जो आपके गार्डन के लिए ही बना है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके क्वालिटी की बात करेंगे, इसमें क्या क्या खासियत है इसकी बात करेंगे। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आपको खास मिलता है। तो दोस्तों, ये है हमारा JBL का कंट्रोल 85M। आप देखिए, इसमें आपको ये कैटलॉग आती है, आपको इस कैटलॉग में वो सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपको इंस्टॉलेशन में इस स्पीकर को वायर को कनेक्ट करने के लिए आपको डिटेल मिलती है। यहाँ आपको इम्पीडेंस सेट करने के लिए वायर किस तरीके से लगेगी, वो सारी डिटेलिंग आपको इसमें दी हुई है। थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें भी समझा दूंगा, बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करने चलते हैं। ये है आपका JBL का कंट्रोल 85M स्पीकर। ये हंटर ग्रीन कलर में है। इसकी खासियत ये है, ये आपके गार्डन में बड़े आसानी से सूट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका स्पीकर कहाँ लगा हुआ है। तो इस बॉक्स में आपको एक तो ये स्पीकर आता है, दूसरा इसके साथ ये कुछ एसेसरीज आती हैं जो इसको फिक्सिंग के लिए काम आती हैं। कुछ स्क्रू हैं, कुछ ये आपके नट्स हैं, स्क्रू ड्राइवर है, ये प्लेट है, इसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बताता हूँ इसमें, तो आप देखेंगे दोस्तों, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखेंगे आप, JBL का लोगो भी बना हुआ है। ये JBL का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। इस मॉडल में आप प्रोडक्ट में एक और मॉडल आता है कंट्रोल 88M, जो 8 इंच का होता है। ये मॉडल आपका 5.25 इंच ड्राइवर के साथ आता है। इसमें आप 100 वोल्ट, 70 वोल्ट पे 30 वोल्ट कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये आपको 30 वोल्ट की कंटिन्यूस वोल्टेज देता है 100 वोल्ट 70 वोल्ट पे, और ये आपको 8 ओम्स इम्पीडेंस पे भी चलता है, जिसपे आपको 40 वोल्ट कंटिन्यूस पावर और 80 वॉट आपको ये पीक पावर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये खुलता कैसे है। सिंपल है, जस्ट ये इसका बेस है, ये इसका मेन है। ये यहाँ आप देखेंगे इसके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इसका स्पीकर का ड्राइवर लगा हुआ है, ये यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ आपको स्पीकर ड्राइवर है, और अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे नॉर्मल, एक छोटी सी आपको मैं सिंपल सी सेटिंग बता देता हूँ, कोई तो ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये आपका ये प्लेट है, ये प्लेट आपका सिंपल, इस वायर को आप, वायर है आपकी, देखिए ये वायर ऑलरेडी कनेक्टेड है स्पीकर से, आपको जस्ट अपने स्पीकर से वायर को कनेक्ट करना है इसके थ्रू, और अपने अपने एम्पलीफिकेशन में दे देना है, जिससे आपका स्पीकर ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। हम बताते हैं अब इसकी, देखिए ये सिंपल वायर यहाँ से निकलेगी, इस वायर को यहाँ से आपने निकाला और इसको ले जाके यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया। अब इसमें आपको 4 नट्स दिए हुए स्क्रू के लिए, आप इसको यहाँ पे लगाइए और फिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपका ये जाके एक साइड में इसमें आपके कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से अंदर चला जाएगा ये, और ये बाहर निकल आएगा यहाँ से। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे स्पीकर को इस तरीके से अपने कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये आपका स्पीकर लग गया, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये स्पीकर यहाँ लग गया, वायर आपकी यहाँ से निकल गई है। और इसके बाद आप इसको अपना कनेक्ट कीजिए, दूसरी साइड में आपका बाहर ये वाला फंक्शन भी लग जाएगा, इसको आप यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, इससे आपकी वायर कटेगी नहीं, सेफ रहेगी। आप सिंपल इसको कनेक्ट कर लीजिए और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसको आप बेस पर लगाना चाहें तो माउंट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको बेस पे भी किसी स्क्रू कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप डायरेक्ट करें इसको ग्राउंड से, लेकिन आप ग्राउंड पे भी कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है स्पीकर खराब हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये बेस है। इस बेस में देखिए आपको यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है, कंट्रोल 85M, इम्पीडेंस 8 ओम्स, पावर 80 वॉट, बट पावर इसकी 45 वॉट कंटिन्यूस देता है, 80 वॉट इसका प्रोग्राम पावर है। यहाँ इसका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर याद रखिए आप, सीरियल नंबर ओरिजिनल होगा तो आपको प्रोडक्ट भी ओरिजिनल होगा, अगर सीरियल नंबर फेक होगा तो वो प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल JBL का नहीं है। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, JBL ने शो भी किया है, इंटीग्रेटेड फॉर आउटडोर वेट एनवायरमेंट। तो यानी कि ये साफ साफ बता रहा है आपको, ये आपके इस मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छा, जो मौसम अभी दिल्ली में चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा मॉडल है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ आप देखेंगे इधर
तो ये आप देखिए यहाँ पे आपको ये आपका एक सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन में आपको 100 वोल्ट 70 वोल्ट 8 ओम्स इस पे कितने वोल्टेज पे आपको चलाना है उसका यहाँ से आप फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप एक कोई पिन या पेचकस डाल के आप इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं। और यहाँ आप देखिए दो साइन बने हुए हैं एरो टाइप के, अभी आप देख रहे हैं ये 8 ओम्स पे डायरेक्ट है। अभी आप इसको अगर कनेक्ट करेंगे किसी एम्पलीफायर से तो डायरेक्ट 8 ओम पे प्ले करेगा, बट अगर आपको इसको 100 वोल्ट और 70 वोल्ट पे चलाना है तो आप इसको मूव करके यहाँ पे लाइए और यहाँ पे जब ये 100 वोल्ट पे आ जाएगा तो आपका 30 वोल्ट ऑटोमेटिक 100 वोल्ट पे ये प्ले करने लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्पीकर है दोस्तों ये, इस स्पीकर को आप लगाइए। अभी मैं आपको एक वीडियो भी इसके साथ अटैच करूंगा अपने इस वीडियो के साथ, उसमें आप देखेंगे हमने एक गार्डन में लगाए हुए हैं ये स्पीकर, डायरेक्ट ग्राउंड से हमने इसको फिक्स किया है और बहुत बेहतरीन साउंड आ रहा है, क्लाइंट भी बहुत अच्छा खुश हो गया है इसको सुन के। तो आप इसको लगाइए और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा और मैं अभी आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, आप वो वीडियो देखिए, आपको भी समझ में आएगा कैसे इंस्टॉलेशन होती है इसकी। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था आप ये वीडियो देखिए, ये 500 गज का गार्डन है, इस गार्डन में हमने 8 स्पीकर लगाए हैं और एक मिक्सर एम्पलीफायर पे इसको नॉर्मल प्ले किया है। और देखेंगे आप स्पीकर हमने सीधे ग्राउंड पे फिक्स किया है, कोई बीच में बेस बनाकर हमने उसको गैप नहीं दिया है ग्राउंड से, तो आप इसको इजीली ग्राउंड पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई स्पीकर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको लगाइए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल पूछिए और देखिए आप इस वीडियो को ध्यान से। देखा किस तरीके हमने गार्डन में डायरेक्ट ग्राउंड पे हमने उसको लगाया, कोई बेस भी नहीं बनाया, तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल्ली वाटरप्रूफ स्पीकर है, बैकग्राउंड चलाइए, लाउड चलाइए, सब में चलेगा ये। और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सॉल्यूशन में इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मुझे संपर्क कीजिए, जैसे आपकी कोई सॉल्यूशन है आप मुझसे पूछिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और नए प्रोडक्ट के साथ, धन्यवाद, गुड बाय।